तो दोस्तों एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अगर आप अपना पीएफ नंबर भूल गए हैं, यानी कि यूएन नंबर जो होता है, अगर आप भूल गए हैं तो अगर आप अपने पीएफ नंबर निकालना चाहते हैं तो आप बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपना पीएफ नंबर नहीं निकालते हैं तो आपके पीएफ अकाउंट में जितने भी बैलेंस है, अगर आप उसको कभी फ्यूचर में निकालना चाहेंगे तो वो आपका नहीं निकलेगा, क्योंकि उसके लिए आपके पास पीएफ नंबर, यानी कि जो आपका पीएफ अकाउंट नंबर है, वो आपके पास मौजूद होना चाहिए, तभी आप अपने पीएफ की बैलेंस निकाल सकते हैं। आपको पीएफ नंबर मालूम नहीं है, अगर आप भूल गए हैं तो आप कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम लाइव प्रोसेस करके दिखाने वाले हैं, बिल्कुल आप बहुत ही आसानी तरीके से अपना पीएफ नंबर निकाल सकते हैं। तो बस आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो पीएफ नंबर निकालने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है और सिंपली आपको सर्च करना है पीएफ लॉगिन करके, आपको सर्च पर क्लिक करना है। क्लिक करते दोस्तों यहाँ पर जो पीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, फर्स्ट में मिल जाएगा, इसी में आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं दोस्तों आप ईपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट हो जाएंगे। अब यहां से आप अपना पीएफ नंबर निकाल सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। पीएफ नंबर को हम लोग यूएन नंबर भी बोलते हैं, यानी कि इसका दो नाम है, जैसे कि आप देखते हैं यहां पर लिखा है यूएन नंबर, इसको हम लोग पीएफ नंबर भी बोलते हैं और यूएन नंबर भी बोलते हैं। तो यहाँ से अपना पीएफ नंबर कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है इम्पोर्टेंट लिंक्स का ऑप्शन, इसमें कई सारे इम्पोर्टेंट लिंक दिया गया है जिसके जरिए से आप यहां पर पीएफ नंबर निकाल सकते हैं। सेकंड में एक लिंक मिल जाएगा नाउ योर यूएन, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं दोस्तों यहां पर आपको सबसे पहले मोबाइल नंबर इंटर करना है, जो भी आपके पीएफ अकाउंट में लिंक है उसी मोबाइल नंबर को यहां पर इंटर कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कैप्चा कोड मिल जाएगा, तो जिस तरीके से दिया गया है उसी तरीके से फिल करना है। उसके बाद रिक्वेस्ट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही दोस्तों आपके मोबाइल नंबर में ओटीपी सेंड कर दिया जाता है। अब यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो भी ओटीपी आया है उसको यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिर से कैप्चा कोड मिल जाएगा, तो जिस तरीके से कैप्चा कोड दिया गया उसी तरीके से यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद वैलिडेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर ओटीपी इंटर कर दिया है, यहाँ पर हमने कैप्चा कोड भी फिल कर दिया, अब यहाँ पर वैलिडेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते हैं दोस्तों यहां पर जो आपकी ओटीपी है यहां पर वैलिडेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। अब आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब यहां पर आपको अपना नेम फिल करना है, पूरा फुल नेम टाइप करना है, आपके पीएफ में जिस तरीके से नाम है उसी तरीके से यहां पर आपको फिल करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, आपके आधार कार्ड में या पैन कार्ड में या फिर मेंबर आईडी में जिस तरीके से डेट ऑफ बर्थ है उसी तरीके से यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मिल जाता है सेलेक्ट एनी वन, यानी कि यहाँ पर कोई भी प्रूफ सेलेक्ट कर सकते हैं, पहला है आधार, उसके बाद पैन, फिर मेंबर आईडी। अगर आप पैन नंबर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको पैन नंबर फिल करना है। मेंबर आईडी सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर मेंबर आईडी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी मेंबर आईडी वगैरह वगैरह उसको यहाँ पर फिल करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर फिर से कैप्चा कोड मिल जाएगा, तो जिस तरीके से दिया गया है उसी तरीके से फिल करेंगे। उसके बाद शो माई यूएन का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको क्लिक करना है। दोस्तों जैसे कि यहाँ पर हमने सभी डिटेल्स को फिल कर दिया है, इसी तरीके से आपको फिल कर लेना है। उसके बाद शो माई यूएन के ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते हैं दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि दोस्तों यहाँ पर ये लिखा है कि योर यूएन इज आर, यानी कि आपका यूएन नंबर यहाँ पर शो हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर हमने यहाँ पर ब्लर किया हुआ है, लेकिन हम कुछ दिखा सकते हैं कुछ अंक, ये सिक्योरिटी रीजन के लिए यहाँ पर हमने ब्लर किया हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से अपना यूएन नंबर को निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो काफी पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।